जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। जी आपको बता दें, एयरपोर्ट इंटेलिजेंस टीम ने विदेशी मुद्रा का जखीरा पकड़ा। दो तस्करों से करीब 48 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद की। अवैध तरीके से बैंकॉक ले जा रहे थे ये सभी आरोपी विदेशी मुद्रा को, और यहां जयपुर एयरपोर्ट पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एयरपोर्ट इंटेलिजेंस टीम ने विदेशी मुद्रा का जखीरा पकड़ा और साथ ही दो तस्करों से 48 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद की। अवैध तरीके से बैंकॉक ले जा रहे थे ये दोनों आरोपी विदेशी मुद्रा। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। दो तस्करों से 48 लाख रुपए के अवैध तरीके से विदेशी मुद्रा पकड़ी गई। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई और साथ ही दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए एवन संवाददाता यादवेंद्र हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। यादवेंद्र, जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई और अवैध तरीके से विदेशी मुद्रा पकड़ी गई। हाँ बिल्कुल ज्योति, यहाँ पर जो कस्टम विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए यहाँ पर जो विदेशी मुद्रा का जो जखीरा है जो कि अवैध रूप से यहाँ पर जयपुर लाया जा रहा था, उसको यहाँ पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने दो यात्रियों समेत जब्त किया है। जो जब्त की गई जो विदेशी मुद्रा है वो करीब 48 लाख रुपए की ये मुद्रा है। चूंकि जो दो यात्री थे वो जो जयपुर से बैंकॉक जाने वाली जो फ्लाइट है उससे ये मुद्रा लेकर के आए थे। दोनों सूटकेसों के अंदर ये मुद्रा है जो ले जाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने चेकिंग के दौरान यहाँ पर जब सूटकेस को चेक किया तो उसके अंदर भारी मात्रा में जो विदेशी मुद्रा है वो पाई गई है। फिलहाल यहाँ पर जो है कस्टम विभाग के जो अधिकारी हैं दोनों जो यात्री हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि ये विदेशी मुद्रा किस तरीके से लेके आ रहे थे और कब से इनका जो खेल है जो बाहर से यहाँ से लाने ले जाने का जो खेल है वो कब से चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर कस्टम विभाग के जो अधिकारी हैं कुलदीप सिंह वो यहाँ पर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर ज्योति, कहीं ना कहीं यादवेंद्र, जयपुर एयरपोर्ट पर उनकी सुरक्षा पर सवाल या निशान खड़े नहीं होते, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी तक पूछताछ होगी कि ये कार्रवाई इस तरह की अवैध विदेशी मुद्रा वो यहाँ से बाहर कितनी बार लेके गए, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर भी सवाल या निशान खड़ा होता है। देखिए ज्योति, बड़ी बात यह है कि यहाँ पर चूंकि यात्रियों का बाहर आना जाना लगा रहता है तो ऐसे में जो दोनों यात्री हैं कितनी बार ये बैंकॉक गए हैं या बाहर गए हैं, कौन कौन सी विदेश यात्राएं इन्होंने की है, उस दौरान कितनी बार ये यहाँ से जो विदेशी मुद्राएं लेकर के आए हैं और यहाँ से लेकर गए हैं, ये सब चीजें फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो जखीरा जो पकड़ा गया है विदेशी मुद्रा का, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और इसके अलावा ये बता रहा है कि निश्चित तौर पे जो विदेशी मुद्रा है तो उनकी यहाँ पर अवैध रूप से जो तस्करी है वो यहाँ पर लगातार की जाती रही है, और ये इस बात को साबित भी हो गया है जब 48 लाख रुपए की जो भारी मात्रा में जो विदेशी मुद्रा है वो यहाँ पर बरामद की है उससे साफ जाहिर होता है। इन्हें ज्योति मैं आपको बता दूं कि आज कस्टम विभाग ने दूसरी भी एक कार्रवाई की है। यहाँ पर दुबई से जयपुर जाने वाली जो फ्लाइट है उसके अंदर यहाँ पर अवैध रूप से सोना ले जाते हुए यात्रियों को अरेस्ट किया है यहाँ पर, क्योंकि ये लोग इस हैंडल सूटकेस का जो ट्रॉली जो बैग होता है उसके जो स्प्रिंग है हैंडल है हैंडल की स्प्रिंग के अंदर ये लोग अवैध रूप से सोना लेके जा रहे थे यहाँ पर। ऐसे में कस्टम विभाग की कार्रवाई ने इस विदेश के जस्ट बाद में यहाँ पर दोनों यात्रियों को दबोच लिया और उनसे यहाँ पर 350 ग्राम जो अवैध रूप से सोना है वो यहाँ पर जब्त किया है यहाँ पर। यादवेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर आप सभी को बता दें, जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई और इस कार्रवाई के दौरान दो तस्करों से करीब 48 लाख की विदेशी मुद्रा बरामद की गई। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।